देखिए मैडम, मैंने आपको आज इसीलिए बुलाया है ताकि आपको इसके कुछ कारनामे बताऊं। सबसे पहले तो आप इसके उन दो लफंगे दोस्तों का साथ सुनाइए। जे भाई जे इसके अटैच खराब होते जा रही है। पूरे स्कूल में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मगर सारे टीचर से बस इन तीनों के ही कंप्लेंट्स आती है। इसके क्लास में सारे स्टूडेंट्स आगे वाली सीट में बैठने के लिए जिद करते हैं, मगर इन तीनों को सबसे लास्ट वाली सीट चाहिए, जहाँ से अगर टीचर स्टूडेंट का हाथ भी हिलाकर दिखाएंगे तब भी उन्हें नहीं दिखेगा। इन शॉर्ट ये तीनों काम जैसे कि तीन बंदों की तरह, ना टीचर्स की सुनेंगे, ना ब्लैक बोर्ड में देखेंगे, ना टीचर्स के पूछने पर कोई आंसर बोल पाएंगे। मैं तो इनसे परेशान हो चुका हूँ। 9 महीने बाद स्कूल खुले तो स्कूल ने रूल्स लागू किए कि क्लास में मास्क लगा कर रखना है, क्लास से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और दूसरों का टिफिन नहीं खाना है। मगर ये पूरे स्कूल में बिना मास्क लगा ऐसे घूमता है जैसे स्कूल इसके बाप का हो। मुझे माफ कीजिएगा, खुद का टिफिन तो खाएगा लेकिन दूसरों का भी कुत्तों की तरह सीन कर खाएंगे। कैसे कुत्ते खाते नहीं है, अब करके एक हड्डी के पीछे सारे महल के कुत्ते उसे ही खाता है। कोरोना तो जैसे इसका फ्रेंड हो, आएगा हेलो हाय टाटा बाय करके निकल जाएगा। एक बार जमा के टीचर ने इसे पूछा, बेटा तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? ये कहता है जॉनी। टीचर ने बोला, कौन वो जॉनी? जॉनी यस पापा वाला? ये कहता है, ओपन योर माउथ, मतलब जॉनी सिंस। पता नहीं सर आपने क्या बोला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आई। साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन था, हु प्रोड्यूस द मोस्ट हीट? ये कहता है नोरा फतेही। इससे मैंने कितनी बार कहा पढ़ाई लिखा करके आईएएस वाईएएस बनकर देश के सामने। ये कहता है, नहीं सर मैं अपने पसंद का काम करूंगा, वर्ल्ड फेमस हो। मैंने पूछा, अच्छा ऐसे कौन सा काम है? ये कहता है, मैं बनूंगा। मैं कुछ भी नहीं समझी सर, सॉरी। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अभी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सर, चल बेटा। ठीक है, बाय संदीप। ओह नो, हे, सॉरी, बाय सर। जॉनी सिंह।